हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का कंप्लीट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे हम, जो कि बोट नेक पर है, प्रिंसेस कट पर है। साथ ही इसमें मैं आपको 3/4 स्लीव्स और बैक नेक डिज़ाइन वाला बनाएंगे हम इसमें, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टिचिंग में भी मैं आपको फिटिंग से रिलेटेड यहाँ पर टिप्स दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने फैब्रिक कपड़े को सीधा कर लिया है। और फ्रेंड्स, मेज़रमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है ब्लाउज़ की लेंथ। और 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड और आर्म होल्स लेने हैं। यहाँ पर 7 इंच लिए हैं शोल्डर होल्स मैंने, देखिए। और अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चार्ट की लिंक दे रही हूँ बोट नेक की, आप वहाँ से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मेज़रमेंट भी जान सकते हैं। और देखिए, शोल्डर आर्म होल्स के लिए मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है। यहाँ से हम इसका 4th पार्ट लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 34, उसका यहाँ पर 4th भाग होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्क किया है। साथ ही मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन का, आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच की हम आर्म होल्स की गहराई कर देंगे, यहाँ पर गोलाई करनी है। आपका वेस्ट का जो भी मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। मैं यहाँ पर 28 साइज़ का मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट यहाँ पर लूँगी 7 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हम बैक पार्ट में टक्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग मैंने कम्प्लीट कर ली है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को फ्रंट ओपन पर भी बना सकते हैं। फ्रंट ओपन की जो कटिंग है प्रिंसेस कट की, वो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, आपके साथ काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें फ्रंट ओपन की कटिंग करनी होती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बैक ओपन बता रही हूँ। तो अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए भी मैंने सबसे पहले नीचे से कपड़े को सीधा किया है, उसके बाद हमें 1/2 से 1.25 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है एक्स्ट्रा में। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ले लेना है नीचे से 1/2 इंच। प्रिंसेस कट की कटिंग में हमें लेंथ में 1/2 इंच प्लस करना होता है फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। नीचे से 1/2 इंच छोड़कर मैंने एक्स्ट्रा जो लिया है उसे छोड़ते हुए यहाँ पर बैक पार्ट को रखा है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर ली है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो वो ले रही हूँ मैं ऊपर आर्म होल्स तरफ से 1 इंच, नीचे की तरफ से यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से कटिंग करना है और काफ़ी अच्छा, जैसे बड़े बड़े बुटीकों पे स्टिचिंग की जाती है उसी मेथड से मैं आपको यहाँ पर स्टिचिंग भी बता रही हूँ। तो आप स्टिचिंग वाला जो पार्ट है वो इसकी बिल्कुल ना करें, बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पर फिनिशिंग के साथ नेक बनाएंगे और देखिएगा नेक में कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट को साथ में रखा है इस तरीके से और 1/2 इंच इसे डाउन कर दिया है। देखिए, यहाँ पर हमें बोट नेक और कॉलर ब्लाउज़ में शोल्डर डाउन करने होते हैं 1/2 इंच इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया है। अब ये मेरा मैन फैब्रिक है, तो मैं मैन फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पर कट कर लूँगी। बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर रखने के बाद थोड़ा सा साइड से बढ़ा कर कट किया है और जो ये नीचे पट्टी है वाइट कलर में उसे मैं निकाल दूँगी इस तरीके से। अब हमें फ्रंट पार्ट में मार्किंग करनी है यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए। तो देखिए, मार्किंग आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक विड्थ की मार्किंग कर लेते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल पहनना चाहें तो विड्थ जो है नेक की, गला चौड़ाई, वो आप 4 इंच तक ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर नेक की जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ, तो मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है 4.5 इंच पर। और जो नेक की लेंथ है वो मैंने 3.5 इंच यानी 3.5 इंच रखी है। उसके बाद प्रिंसेस कट के लिए मार्क कर रही हूँ, तो नीचे से विड्थ में मैंने 3 इंच लिया है और ऊपर से टक्स पॉइंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच यानी कि 10.5 इंच पर मैंने मार्क किया है यहाँ पर।
और ये वाली जो मार्क किया है यहाँ पर मैं इसे सीधा कर लूँगी, ये हमारे टक्स पॉइंट की लाइन है, यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है इस तरीके से। तो ये वाला जो हमारी लाइन है वो थोड़ी सी तिरछी आनी चाहिए, फिर इसे हम मिला देंगे आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से। यहाँ से आपको विड्थ में लेना है 1.25 इंच, 1.75 इंच लेना है इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ में लेंगे 2 इंच, नीचे से हमने चौड़ाई में लिया है 1.25 इंच और लंबाई में 2 इंच लिया है। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे की तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ कमर के यहाँ से ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें शेप देने के बाद कट इस तरीके से करना है आपको, नीचे से 1/2 इंच कम करना है हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है। ये देखिए नेक में यहाँ पर आपको बुकरम से बताऊँगी तो वो मैंने यहाँ पर कट नहीं किया है और इसे मैंने मैन फैब्रिक पर रख के भी कट कर लिया है। तो देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से 2 इंच जो हम मार्जिन का लेते हैं उसे हमें छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर हम बीच का आर्महोल्स नाप लेंगे। तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1.75 इंच आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, तो इसमें 7 इंच आ रहा है, इसमें हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे तो ले लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच, 7.5 इंच लेंगे स्लीव्स कटिंग करते समय। मैं यहाँ पर पिन लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़ा सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल हिले ना कटिंग करते समय, तो मैंने यहाँ पर इसे पिन लगा लिया है और नीचे से इसे पहले मैं सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है कट करके, उसके बाद मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ, तो आप अपनी पसंद से स्लीव्स की लेंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ स्लीव्स की लेंथ, आपको जितनी बड़ी बनानी है आप उतनी लेंथ लीजिएगा। और 7.5 इंच जो हमने बैक पार्ट में नापा था वो मैं इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लूँगी। ये कपड़े से मार्किंग थोड़ा नीचे जा रही है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 इंच पे डाउन किया है, इसे 3 इंच पे मैंने डाउन किया है और इस तरीके से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्लीव्स के लिए। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम स्लीव्स का शेप दे देंगे, पहले हम मेज़रमेंट कर लेते हैं यहाँ पर 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। उसके बाद इस तरीके से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है हल्के हाथों से। स्लीव्स राउंड है मेरा नीचे की तरफ से 5 इंच और 2 इंच ले लूँगी मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है, जो भी मेजरमेंट होता है आप वो लीजिएगा। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है, सेंटर में कट लगा लेंगे, उसके बाद हम 1/2 इंच की स्लीव्स में गहराई कर देंगे। ब्लाउज़ में गहराई अभी मैंने नहीं दी है, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे। तो मैंने 1/2 इंच की गहराई यहाँ पर दे दी है, साथ ही साथ मार्किंग भी कर ली है ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कंप्लीट कर ली है और मैंने यहाँ पर 2 बुकरम के पीस लिए हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक के लिए नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 4.5 इंच इस तरीके से, 4.5 इंच पे चौड़ाई रखी है नेक की और जो लेंथ है वो रखी है मैंने 3.5 इंच इस तरीके से, 3.5 इंच मैंने नेक की लंबाई रखी है। साथ ही साथ हम इसे इस तरीके से चौकोर एक बॉक्स बना लेंगे। और हम यहाँ पर इस तरीके से बोट नेक का शेप देंगे हल्के हाथों से, बोट नेक का शेप कर दिया है। अब साइड से हमें एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है इसे, तो एक्स्ट्रा में आप 1.5 इंच ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है बुकरम के पीस को। यहाँ पर अगर आपके पास पेस्टिंग होती है चिपकाने वाली तो वो भी आप ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर बिना चिपकाने वाला बुकरम लिया है। तो देखिए कटिंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग मैंने कर ली है, अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक में आपको जितनी लंबाई लेनी है उसमें आपको 1 से 1.5 इंच प्लस करके उतना बड़ा लेंथ में बुकरम लेना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच रख रही हूँ, नेक की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 10 इंच। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे।
बैक पार्ट में नेक की जो लेंथ है आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हो। उसके बाद देखिए आपको वी शेप देना है। ये वी शेप मैंने स्केल से इस तरीके से दे दिया है, अगर आप चाहे तो इसी तरीके से रख सकते हैं वी शेप, और चाहे तो इसे ब्रॉड कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से इसे ब्रॉड कर रही हूँ वी शेप देते हुए। तो नेक हमारा पीछे से वी ही दिखना चाहिए, इस तरीके से मैंने शेप दे दिया है। तो ये देखिए ये मैंने शेप दिया है और ये बनने के बाद वी नेक ही दिखेगा। और जो मैंने लाइन ड्रॉ की है स्केल से उसमें क्या होता है कि नेक हमारा कम ब्रॉड रहता है, पर इस तरीके से मैंने शेप देने के बाद मैं इसे बनाऊंगी तो नेक हमारा पीछे से ब्रॉड में दिखेगा। कम ब्रॉड में अगर आपको बनाना है तो जो स्केल से शेप दिया है आप चाहें तो इसे वैसा ही रख सकते हैं। तो देखिए हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये नेक हमारा वी जो बनेगा पीछे से वो ब्रॉड में बनेगा और बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसमें। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। तो दोनों ही नेक को हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रख लेना है अस्तर वाले। तो यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गई है, चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। तो मेन फैब्रिक को रखना है हमें इस तरीके से और इसके ऊपर लगा लेंगे हम पिन। पिन लगाने के बाद हम चारों तरफ से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे, पैक कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट कर लेना है। अब देखिए हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए दोनों पार्ट को आमने सामने रखकर पिन लगाकर आप रेडी कर लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। अब हमें नीचे से इसे अटैच करना है। ध्यान रहे आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हमेशा नीचे से ही ऊपर की तरफ अटैच करना होता है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। कोई भी पार्ट आपको खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक सिलाई हमने लगा ली है, आप इस पर डबल सिलाई लगाइएगा। ये देखिए पफ काफ़ी अच्छा आया है इसमें। और यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट भी आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, तो वो भी मैं नीचे से ही ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें करनी है यहाँ पर आर्म होल्स की गहराई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पार्ट को बीच में से बराबर रखेंगे, सेंटर से इसे बराबर करना है। आप चाहें तो देखिए इस तरीके से पिन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों पार्ट की गहराई जो है वो साथ में ही दे रही हूँ। अब हमें देनी है यहाँ पर 0.5 इंच की गहराई, 1.75 इंच की यहाँ पर हम गहराई करेंगे इस तरीके से। ये मैंने कट कर लिया है और सेंटर मार्किंग भी कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर मार्किंग भी कर ली है नेक को जॉइंट करने के लिए। अब इसे हटाकर हम पिन को निकाल कर यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर बुकरम को रखा है और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए आपको फिनिशिंग के साथ इसे कैसे जॉइंट करना है बिना प्रेस से चिपकाए हुए। एक सिलाई हमने इस तरीके से लगा ली है और दूसरी सिलाई भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये पूरी तरीके से जॉइंट हो गया है, अब ये कहीं पर भी हिलेगा नहीं हमारा पेस्ट जो बुकरम है। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। साइड में हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये नेक हमने बुकरम पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम नेक की भी करेंगे सेंटर मार्किंग। इस तरीके से मैंने सेंटर मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम फैब्रिक पर जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे सेंटर में। एक सेंटर में सिलाई लगाने के बाद हम साइड से अपने नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई आपकी जो पेस्टिंग है बुकरम है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई आपको लगानी है। अगर सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर आती है तो फिनिशिंग नहीं दिखती है, नेक अच्छे से पलटता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए इतना हम इसे कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई हम इस पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे।
और मैं इसमें ऊपर से सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें अंदर की तरफ तुरपाई करूँगी। इसे अंदर की तरफ करते हुए हमें प्रेस से इसे अच्छे से सेट कर लेना है। नीचे की तरफ हम लगाएंगे अब कमर पट्टी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है, उसे मैंने एक साइड से इसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसे लगा लेंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब इसे इस तरफ करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से रखा है और अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ से रखते हुए पिन लगा लें, और जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसी तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट, यहाँ पर बुकरम वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है, और इसे मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है। पहले एक सिलाई मैंने सीधी लगा ली है, उसके बाद यहाँ पर हम जो हमारा नेक का शेप है उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। एक तरफ सिलाई हमने लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब एक सिलाई हम नेक को इस तरफ करके लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर नेक हमारा फिनिशिंग हो गई है। नेक में फिनिशिंग, इसके बाद हमें पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। अब मैं इसे बीच में से ओपन कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ बैक ओपन। तो मैंने इसे कट कर लिया है, सिलाई लगाकर हम पैक कर लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे हम हाई की पट्टी। तो मैंने देखिए इस तरीके से हाई की पट्टी अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। 3 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है और इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ इसे लगाना है। तो देख सकते हैं आप कि मैं किस तरीके से इसे फिनिशिंग के साथ लगा रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से लगाना होता है। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके भी लगा लेंगे ताकि पट्टी हमारी उठी हुई ना लगे। अब लगाएंगे यहाँ पर हम बैक पार्ट में प्लेट्स, तो वो आपको इस तरीके से लगानी है। ये देखिए, एक तरफ का पार्ट रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ हम लगाएंगे हुक की पट्टी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करते हुए लगाया है, ऊपर की तरफ से इसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, बैक पार्ट में लगा लेंगे हम प्लीट्स। अब हम दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे कि कहीं से कोई पार्ट हमारा बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसे कट करके बराबर करें और नीचे की तरफ लगा लें कमर पट्टी। तो यहाँ पर हम स्लीव्स रेडी कर रहे हैं, तो स्लीव्स के लिए भी मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे फिनिशिंग देने के लिए नीचे से। और जिस तरीके से हम कमर पट्टी लगाते हैं, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी लगा ली है स्लीव्स में। एक तरफ लगा ली है, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से लगाना है। अब इसे बराबर करके चेक करना है आर्म उस तरफ से हमारा, यहाँ से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इसे कट करके बराबर कर लेना है। अब देखिए, मैंने स्क्वायर में एक कपड़ा लिया है यहाँ पर रुमाल जैसा, और उसे हम इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में करके इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ट्रायंगल में फोल्ड करके ये कपड़ा हमें बिल्कुल राउंड में कट करना है। आप चाहें तो कोई प्लेट रखकर भी इसे राउंड में कट कर सकते हैं।
इसे थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल राउंड सर्कल में मैंने इसे कट कर लिया है। मैन फैब्रिक लेना है, मैन फैब्रिक ऊपर की तरफ से आपको रखना है सीधा, और बीच में एक पिन लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे बिल्कुल सर्कल में आपको सिलाई लगा लेनी है। कहीं से भी गैप नहीं छोड़नी है, पूरे राउंड सर्कल पे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। पूरे ही सर्कल पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो देखिए अब हम करेंगे इसकी सेंटर मार्किंग, और सेंटर मार्किंग करने के बाद हम इसमें लगा लेंगे हल्का कट। अगर आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती तो हल्का सा कट और लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और इसे करना है हमें सीधा बाहर की तरफ, इसे पलटना है। इसका बनाएंगे हम बो और इसे लगाएंगे बैक पार्ट में, तो इससे जो लुक है हमारे ब्लाउज का वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इस पर लगा लेंगे प्रेस, अच्छे से इसे सेट कर लेंगे प्रेस के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं करूँगी इसकी सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग इस तरीके से की है मैंने यहाँ पर, और इसे इस तरीके से प्लेट्स बनाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से भी इसे स्टिच कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है, और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है वाइट कलर के फैब्रिक में, उसे हम यहाँ पर रखकर स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। सुई धागे से आपको इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से पट्टी को रखकर इसे पक्का कर लेना है आपको। तो ये बो बनके हमारा रेडी हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए अब हमें यहाँ पर इसे शोल्डर को जॉइंट करना है। तो ये बो हम लगाएंगे बैक पार्ट में, और शोल्डर जॉइंट आपको किस तरीके से करने हैं देखिएगा आप। पट्टी को बाहर की तरफ करते हुए आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। ये पट्टी हमने बैक पार्ट की बाहर रखी है, और इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से रखकर ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, और खोलेंगे तो फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर दिखेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से जॉइंट करना है। फिनिशिंग के साथ हमने शोल्डर जॉइंट कर दी है। अब करना है आपको फ्रंट पार्ट में सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग देखिए आपको इस तरीके से करना है, और रखना है बैक पार्ट को इसके ऊपर, पिन लगा लेनी है, और यहाँ पर लगानी है कच्ची सिलाई नीचे से हमारा दोनों पार्ट बराबर करते हुए। तो देखिए ये कच्ची सिलाई हमने लगा ली है, साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करेंगे, और यहाँ पर आर्म होल्स की हम बराबर कर देंगे। ऊपर से मैंने आर्म होल्स को बराबर करते हुए सिलाई लगाकर वापस हम इसे पैक कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको कर लेना है, और यहाँ पर हम सेंटर से स्लीव्स जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, और सेम इसी तरीके से हम लगाएंगे दूसरी तरफ से भी सिलाई। स्लीव्स के ऊपर हमेशा आपको डबल सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा लें अपनी स्लीव्स पर। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव्स जॉइंट करें, और अब हम यहाँ पर लगाएंगे सीधी तरफ गुम सिलाई जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो आपको करना है स्लीव्स के यहाँ से जॉइंट से जॉइंट बराबर करते हुए ऊपर से सिलाई लगाते हुए आना है आपको। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेंगे हम। उसके बाद आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए ब्लाउज़ के उल्टी तरफ यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है, और यहाँ पर हम अपने ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग करेंगे। और चेस्ट और वेस्ट का लगाना है हमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट के लिए मार्किंग। चेस्ट का है हमारा 8.5 इंच, देखिए यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे, और यहाँ पर स्लीव्स राउंड ले लेना है आपका। जो भी स्लीव्स राउंड का मेजरमेंट होता है उसका हाफ ले लें आप। मेरा है यहाँ पर 11 इंच, तो मैं 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, नीचे से 5 इंच पे करूँगी, और इसे स्केल से सीधा कर लेना है आपको।
तो यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।